बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डॉक्टर मुमताज जी हैं। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे उसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इसका मतलब जो है ये होता है कि हम मुआशियात की बात कर रहे हैं। मुआशियात जो कि हमारी सोसाइटी का एक अहम तरीन पिलर है, एक अहम तरीन हिस्सा है। इससे न सिर्फ इंडिविजुअल्स बल्कि जो पूरी की पूरी दुनिया की इकोनॉमिक कंडीशन हैं वो सारी की सारी जो है वो इसी के तहत चलती हैं। और हम जब इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे तो हमें इस चीज़ को पहले तो समझना है कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। इकोनॉमिक्स के दो टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप है वो माइक्रो है और दूसरा मैक्रो है। कुछ बुक्स और लिटरेचर में हमें ये भी देखने को मिलता है कि एक मीजो लेवल भी है जिसको जो है वो थर्ड लेयर हम कहते हैं। मीजो का मतलब जो है ये है कि जिस तरह कॉटेज इंडस्ट्री हो गई, जिस तरह मिडिल मार्केट्स हो गए, जिस तरह हमारा पूरा का पूरा जो सिस्टम असल में कनेक्ट कर रहा होता है माइक्रो और मैक्रो को, उस ब्रिज को भी हम मीजो लेवल कहते हैं। माइक्रो लेवल में क्या आता है? माइक्रो लेवल में जो ये आता है कि एक जो इंडिविजुअल है या उसकी जो पूरी फैमिली है या उसका पूरा जो एक अर्निंग का सिस्टम है, जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, वो किस तरीके से रन कर रहा है, और उसी के साथ साथ लोकल लेवल पे जो मार्केट्स होती हैं उन मार्केट्स के साथ उसका जो भी एक ताल्लुक बना हुआ होता है उस ताल्लुक को स्टडी ऑन द माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिस्टम जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ही ज्यादा वो कंट्रीब्यूट करेगा मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी क्या है? मैक्रो इकोनॉमी अगर हम कहें तो उसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मेंस ऑफ नेशनल इकोनॉमीज एंड द ग्लोब। हम नेशनल लेवल के ऊपर जो स्ट्रक्चर देखते हैं जिसमें मुख्तलिफ पॉलिसीज होती हैं, वो पॉलिसीज आपकी मॉनिटरी पॉलिसीज भी होती हैं, आपकी फिजिकल पॉलिसीज भी होती हैं, आपका पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, एक सिस्टम होता है जिसमें आपकी इम्पोर्ट, जिसमें आपकी एक्सपोर्ट और साथ ही साथ जो आपकी इंडस्ट्री जो बड़े लेवल पे काम कर रही होती है वो सारे के सारे जो फ्रेम में आते हैं उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, जिसमें ज्यादातर जो है वो गवर्नमेंट अपने तौर पर जो है वो काम कर रही होती है, और गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज भी बना भी रही होती है, उसी के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट भी कर रही होती है, और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो लोकल लेवल पे भी हमें देखने को मिलती है, नेशनल लेवल पे भी हमको देखने को मिलती है, उसी के साथ साथ हम उसको ग्लोबल लेवल पे या यूनिवर्सिटी या वर्ल्ड लेवल पे भी हम उसको देखते हैं। तो जो ग्लोबल इकोनॉमी पूरा का पूरा जो काम कर रही होती है और जिस तरीके से डिमांड सप्लाई का पूरा मैकेनिज्म चल रहा होता है, जिसमें कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हाई लेवल के इंस्टीट्यूशंस जिसको हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स हम कहते हैं। इसके ऊपर हम जो है वो फर्दर जैसे जैसे हमारी क्लास जो है वो आगे जाएंगे तो फिर जो है वो हम बात कर रहे होंगे। इसमें हम एम्पेरिकल व्यू के साथ हम चलते हैं। एम्पेरिकल व्यू का मतलब जो है वो ये होता है कि हम इकोनॉमीज को किस तरीके से जो है वो देख रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बुनियादी तौर पर हमें नज़र में रखनी है कि जैसे मिसाल के तौर पर जो है वो हम ये देखेंगे कि जो नेशंस के लॉन्ग रन में जो उसकी इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रही है उसके पीछे जो है वो क्या असरात है, उसके पीछे जो है वो कौन से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, उसके पीछे जो है वो मतलब किस तरह की प्लानिंग्स है, किस तरह की पॉलिसीज हैं। हमें असल में इस चीज़ को जो है वो देखना पड़ता है कि कौन से ऐसे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जिसके बिना पे जिसके जिसके बेस पे जो इकोनॉमीज हैं वो तरक्की कर रही होती है, वो ग्रो कर रही होती हैं, और उसका जो ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिवली उस कंट्री में जितनी भी मतलब जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है और उसके साथ साथ जो मार्केट्स हैं और उसके साथ साथ जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनको उसका फ़ायदा हो रहा होता है। तो हमें असल में सबसे पहले तो उन चीज़ों को जो है देखने की ज़रूरत है, क्योंकि एक पॉजिटिव वेरिएंस जो है हमेशा ये भी होता है कि आपके जो अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं उन अच्छे एक्सपीरियंसेस को आप कंटिन्यू करते हैं, और उसी कंटिन्यूएशन में जो है वो आपके मुल्क को जो है वो आगे लेकर भी जाते हैं। अभी इस वक्त अगर हम बड़े जायंट्स की बात करें जिसमें जो चाइना है, जिसमें जापान है, जिसमें अमेरिका है, अगर हम जो है वो उनकी तरक्की को, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को हम देखेंगे तो उसमें एक चीज़ हमें जो नज़र आती है वो असल में कंटिन्यूटी है कि एक चीज़ को उन्होंने जो है वो स्टार्ट किया और उसके बाद फिर जो है उसको कंटिन्यू रखा विद कॉन्स्टेंट एफर्ट्स, तो उसके बाद फिर जो है वो आगे वो बढ़ते गए, और हमें भी इन चीज़ों को जो है वो देखने की, सोचने की और समझने की जरूरत होती है। फिर उसी के साथ साथ हमें जो है वो ये भी लाजमी तौर पर जो है वो देखना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फ्लक्चुएट करते हैं, यानी कि कुछ चीज़ें जो है वो ऐसी भी होती है
जो आपके जहन में जो नहीं होती है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अचानक जो है वो सामने आ जाती हैं, ठीक है, वो भी आपकी इकोनॉमी को जो है वो भरपूर तरीके से हिट भी करती हैं, और कहीं कहीं पर आपको जो है अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर WTO कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है, अगर जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है कोई इस तरह की एक नई कंडीशन आ जाती है, या फिर जो है वो आपके प्रोटेक्टिव मेजर्स जो है वो आ जाते हैं, या फिर जो है वो जैसे मुख्तलिफ कंट्रीज हैं उसी के साथ साथ जो है वो जैसे यूनियंस हैं वो बनी हुई हैं, आप यूरोपियन यूनियन जो है अपने तौर पर है, आसियान जो है अपने तौर पर है, सार्क जो है वो अपने तौर पर है, या बड़े जो कंट्रीज हैं वो अगर कुछ पॉलिसीज आपके ऊपर मतलब इम्पोज कर देते हैं, जाहिर बात है कि आपको उनको जो है फॉलो करना पड़ता है। फिर इसी तरह जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि डिजास्टर्स की सूरत में जो है वो हमारे सामने आती है। डिजास्टर्स दो तरह के होते हैं, एक जो है वो मेन मेड डिजास्टर्स होते हैं और एक जो है वो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं। अब इस वक्त है वो हम जिस कंडीशन में हैं उसमें हमें जो है वो एक चीज़ मतलब देखने समझने और फिर इसको जो है वो रिव्यू करने की बड़ी ज़रूरत है। हम जैसे पहले ये कहते थे कि वर्ल्ड ट्रेड टावर के ऊपर जब अटैक हुआ तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर जब अटैक हुआ तो उसके बाद वाली दुनिया और उससे पहले वाली दुनिया दोनों दुनिया जो है वो मुख्तलिफ थी। फिर इसी तरीके से जो है वो आज हम जिस दौर में बैठे हुए हैं उसमें हम ये कह सकते हैं कि जो इस वक्त वबा आई हुई है जिसको हम कोरोना वायरस का नाम दे रहे हैं, मुमकिन है कि इसके बाद वाली जो दुनिया है वो अलग हो, मुमकिन है उसके बाद जो आपके सिस्टम्स आपके मैकेनिज्म्स आपके जो इकोनॉमिकल पॉलिसीज हैं या फिर जो है वो आपके जितने भी नॉर्म्स हैं जो आपके सिस्टम्स हैं उनमें जो है वो बड़ी हद तक तब्दीली हो, वो आगे जाके जो है वो हमें देखना है। लेकिन जो इकोनॉमीज होती है उनको असल में इस चीज़ का पता नहीं होता। तो इसी तरह जो है वो हम ये भी देखते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी एक बर्डन के तौर पर आपकी कंट्रीज के ऊपर काम कर रही होती है। जब भी आप इकोनॉमिकल क्राइसिस में होते हैं तो उस वक्त एक मेन जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है वो असल में अनएम्प्लॉयमेंट होती है। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती है, अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह होती है, अनएम्प्लॉयमेंट को जो है वो कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इस तरह के अगर जो है वो कोई मतलब इवेंट्स होते हैं जो आपकी इकोनॉमीज को हिट करते हैं, फिर उसी तरीके से जो है वो आप ये देखते हैं कि कौन सी पॉलिसीज हमारे लिए बेहतर हैं, कौन सी पॉलिसीज हमारे लिए बेहतर नहीं है। इस पूरे सिस्टम को स्टडी करने के लिए हम जिस अप्रोच को यूटिलाइज करते हैं उस अप्रोच का नाम जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और फिर ऐसा ऐसा जो है वो हम जब थोड़ा सा जो है वो आगे जाएंगे तो फिर हमें ये भी देखने को मिलेगा कि वो कौन से काजेज हैं, वो कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है वो प्राइस भी फ्लक्चुएट करती है, प्राइस भी एक जगह पर जो है वो नहीं रहती, और उसी के साथ साथ जो है वो कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो कि हमें देने की ज़रूरत होती है। और फिर दूसरा जो है वो ये है कि हम जब बैंकिंग सेक्टर के ऊपर आते हैं तो बैंकिंग पॉलिसी भी जो है वो एक अहम किरदार अदा करती है, और उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि हम बैंकिंग का जो पूरा का पूरा एक निज़ाम चल रहा होता है उसमें ये देखते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट हैं वो असल में क्या चल रहे होते हैं, और उसके बाद फिर जो है वो हम अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं, एक बेंचमार्क के थ्रू जो है वो हम लोग अपने आप को देख रहे होते हैं, हम अपने आप को जो है वो कंपेयर कर रहे होते हैं दूसरे कंट्रीज के साथ, हम अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं हमारा जो स्टेटस है उस स्टेटस से रिलेटेड जितने और कंट्रीज हैं वो अपने जो मुआशी मामला हैं उनको किस तरीके से देख रहे हैं, उनको किस तरीके से रिव्यू कर रहे हैं, उनको किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वो अवॉइड कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि ग्लोबल जो एक इकोनॉमिकल सिस्टम चल रहा होता है उसको भी हम नज़र में रखते हैं और वो बड़ा अहम होता है खासतौर पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और फिर हमें ये भी देखना है कि इस वक्त वो कौन सी कंट्रीज हैं जिनकी इकोनॉमी जो है वो मतलब बूस्ट कर रही है, जो बहुत ज़्यादा आगे जा रही है। जैसे हमें जो है वो देखने को मिलता है कि इस वक्त कोरिया जो है इकोनॉमिकल कंडीशन अगर आप उसकी स्टडी करेंगे तो वो बहुत जो है वो आगे जा रहा है, ठीक है। जापान तो एक बड़ा जायंट वैसे ही है, मलेशिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो आगे जा रहा है, उसके साथ साथ जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं लेकिन यूरोपियन कंट्रीज हैं वो जो है वो मुसलसल आगे जा रहे हैं। फिर इसी तरह जो है वो मतलब इंडिया के अगर पॉलिसीज हम देखेंगे, क्योंकि हम जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें इंडिया के साथ रिलेट कर रहे होते हैं, तो इंडिया है या फिर जो है वो श्रीलंका है, श्रीलंका किस तरह जो है वो आगे निकल रहा है, हालांकि वो बड़े क्राइसिस में गिर रहा है, और उसी के साथ साथ जो बांग्लादेश है वो चूंकि जो है वो फास्ट ग्रोइंग कंट्री है, हालांकि डेवलपिंग कंट्रीज में आता है लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो हमारे कंट्री से जो है वो काफ़ी बेहतर है।
तो होता क्या है कि जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे होते हैं तो फिर जो है वो आप क्या करते हैं कि जो दूसरे कंट्रीज हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हो, वो कौन सी चीजें कर रहे हैं, कौन सी चीजें जो है वो नहीं कर रहे। तो जो अच्छी इकोनॉमीज होती हैं वो क्या होती हैं, वो असल में ये होती हैं कि वो जो बेड एक्सपीरियंस होते हैं उनसे वो सीखते हैं, और अच्छे एक्सपीरियंस जो दूसरे कर रहे होते हैं उनसे वो सीखते हैं। तो जो बेड एक्सपीरियंस हो रहे होते हैं जिसके इम्पैक्ट है वो या रिजल्ट है वो नेगेटिव निकलते हैं तो फिर उनसे वो जनरली अवॉइड करते हैं, और फिर उसी तरह जो है वो पूरी की पूरी मॉडल सेटिंग होती है। उस मॉडल सेटिंग में क्या होता है, उस मॉडल सेटिंग में ये होती है कि आप एक बिजनेस मॉडल जो है वो अपना प्रेजेंट करते हैं और आप ये कहते हैं कि हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो असल में इस तरीके से होगा। और फिर उसी के साथ साथ जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जो आप अपने कंट्रीज में इंट्रोड्यूस करते हैं और साथ ही साथ जो है वो आप ये चाह रहे होते हैं, आपकी गवर्नमेंट से चाह रही होती है कि कोई सी भी गवर्नमेंट आ जाए उसने उसको जो है वो फॉलो करना है। अब जैसे मिसाल अमेरिका की अगर हम तरक्की की एक बुनियाद अगर हम कह लें कि गवर्नमेंट कोई भी आ जाए तो उसने उसको फॉलो करना है, वो सिल्क कॉरिडोर है। तो वो जो सिल्क कॉरिडोर है उसमें क्या है कि सारे इदारे जो है वो आम बोल रहे हैं और सारे इदारे मुल्क मिल करके अपने मुल्क की जो भी इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं उन कंडीशंस के ऊपर और फिर उसी के साथ साथ उनकी ग्रोथ के ऊपर जो है वो काम कर रहे होते हैं। फिर इसी तरीके से अगर हम जो है वो मलेशियन का मॉडल देखेंगे तो उसमें मलेशियन सुपर कॉरिडोर है MSC जिसको जो है वो कहते हैं, और मलेशिया की भी तरक्की का जो बुनियाद है वो यही है कि अगेन गवर्नमेंट कोई भी आए लेकिन उसने जो है उस पॉलिसी को फॉलो करना है। फिर इसी तरीके से जो है वो शाइनिंग इंडिया, इंडिया का एक बहुत बड़ा प्लान है जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्लान है और उस प्लान को जो है वो कोई भी गवर्नमेंट आए उसने जो है फॉलो करना है। हमारे पास भी काफ़ी सारे पाकिस्तान में इस तरह के मॉडल्स बने, पाकिस्तान में जो है मॉडल्स हमारे बने हैं कि जैसे हमारा 2020 एशियन टाइगर और उसी के साथ साथ अभी विजन 2025। लेकिन बदकिस्मती से जो है होता ये कि हमारी कंसिस्टेंसी नहीं रहती, जब हमारी कंसिस्टेंसी नहीं रहती तो फिर होता ये है कि हम एक्सपीरियंसेस कर रहे होते हैं, हम फिर जो है वो आगे बढ़ते हैं उसके बाद फिर रुक जाते हैं, हम फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम फिर जो है वो रुक जाते हैं। तो वो एक पूरा डिजाइन रहता है, पूरा पूरा मॉडल होता है जिसको आप जो है वो फॉलो करते रहते हैं। और इस वक्त जो है वो हम समझते हैं कि जो कंट्रीज डेवलप हो रहे हैं वो असल में इसी चीज के ऊपर ज्यादा रिलाय करते हैं कि कोई एक इस तरह का मॉडल हो जिसके ऊपर जो कंसेंसस हो, और वो कंसेंसस क्या हो, कंसेंसस जो है वो ये हो कि हमने अपने मुल्क के हालात को बेहतर करना है, हमने अपनी इंडस्ट्रियल सिचुएशन को जो है वो बेहतर करना है, हमने अपनी इंडस्ट्री को जो है वो आगे लेकर के जाना है, और दुनिया में जो है वो हमारा कंट्री कैसे जो है वो आगे जाएगा उसके ऊपर जो है वो कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और फिर आगे हम अगर बात करें तो फिर जो है वो हम जो रिच नेशंस हैं उनसे भी हम बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हम फायदा उठा सकते हैं। जो इस वक्त तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और हम अगर थोड़ा सा जो है वो स्टडी करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को तो उसमें भी पहले 3 कैटेगरीज होती थी, अब जो है वो 4 कैटेगरीज हैं। पहले जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज होते थे, उसके बाद फिर डेवलपिंग कंट्रीज होते थे, उसके बाद फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होते थे। लेकिन अब इस वक्त आप अगर देखेंगे तो उसमें जो है वो हमें 4 मॉडल्स नजर आते हैं, हाई डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो हमने जो बड़े जायंट्स हैं उनके साथ अपने आप को मिलाना है, उनके साथ जो है वो हमने अपने आप को जो है वो रखना है। अगर ना पाकिस्तान की जो है वो अच्छी भी स्ट्रेटजी रही है जिसमें हम ये देखते हैं कि हमने जो है वो चाइना के साथ अपने बहुत अच्छे टाइज हमने रखे हुए हैं। तो जो बड़े कंट्रीज होते हैं, जो बड़ी इकोनॉमीज होती हैं, वो असल में कंट्रीब्यूट करती हैं आपके कंट्री को। किस तरीके से कंट्रीब्यूट करती हैं कि आपको टेक्नोलॉजी के लिए वो सपोर्ट करती हैं, आपके लिए जो है वो सब्सिडीज वो क्रिएट करती हैं, आपके मुल्क में जो भी प्रोडक्ट्स हो रही होती हैं उनको अपने तौर पर उनकी हर मुमकिन तरीके से कोशिश ये होती है कि उनके जो भी मतलब जो अच्छे बेनिफिट्स जिससे मिले हैं वो असल में आपको कंट्रीब्यूट करते हैं, वो मतलब आपकी सपोर्ट करते हैं। हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो गवर्नमेंट भी ये चाह रही है कि जो अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स जिन जिन कंट्रीज में हुए, चाहे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, चाहे बिजनेस डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, चाहे ट्रेड से रिलेटेड हो, ठीक है, उनको हम अडॉप्ट करें, उनको हम अपने सिस्टम्स का हिस्सा बनाएं। तो ये बड़ा जो है वो अहम होता है कि जिसमें जो है वो आपकी लर्निंग बड़ी फास्ट हो जाती है और इसका जो आउटपुट है वो आउटपुट भी बड़ा बेहतरीन आउटपुट है। और जाहिर बात है कि मतलब जब आपकी पॉलिसीज जो है वो सही होगी
उसी के साथ साथ जब आप तो अपनी जो भी आपकी इंडस्ट्री है, जो भी आपका ट्रेड है, जो भी आपकी बिजनेस क्लास है, या मतलब वो फैक्टर्स जो किसी न किसी तरीके से जो है वो आपके मूल्य को कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, उनको ऑन बोर्ड रखें, उनको जो है वो साथ रखें। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का अगर नुकसान होगा तो वो नुकसान सिर्फ और सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर को नहीं होगा, वो जाहिर बात है कि प्राइवेट सेक्टर को भी बहुत ज्यादा होगा। इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है और उसी के साथ साथ पब्लिक सेक्टर है, वो दोनों मिलकर देखें और कोई पॉलिसी अडॉप्ट करें और उसके ऊपर उनका कंसेंसस हो, मिलकर काम करने की बहुत ज्यादा जो है जरूरत है, तभी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स चला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।